हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीसरा गेस्ट पेपर लेकर प्रेजेंट हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। शुरू से लास्ट वीडियो के साथ बने रहेगा। किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, एकदम से सीरियस होकर एग्जाम के माहौल में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं अभी, फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप आज का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। बाल विकास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको असत्य चुनना है। असत्य चुनिए, जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है, असत्य आप चुनिए। एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, एकदम से डरना नहीं, हिम्मत के साथ जैसा जुनून अभी आप लोग जैसे देखिए, आपको हम कहते हैं अगर आपको डर लग रहा है तो अभी शुरू से सारे पेपर जितने सब्जेक्ट है वो आप सॉल्व कीजिए। देखिए आप ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए सारा गेस्ट पेपर हम करवा रहे हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसा ही लिखा रहेगा और इतने ही सब्जेक्ट रहेंगे, इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर रहेगा। फिर इसके बाद आपको डरना क्यों है, सब कुछ तैयार है ना। तो फिर बस यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और कितना स्कोर करते हैं वो आप लोग जल्दी से बताइएगा। बस और कुछ नहीं करना, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है डी, 18 से 40 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाएगा ये, 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था को युवा प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, मेनली 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है, और सारे ऑप्शन आपके सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है दूसरे का बी, कौन है, पियाजे। आप सभी को पता है चार अवस्थाएं उन्होंने बताई। यहां पे देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित चरणों को सुमेलित करिए, यहां पे फिर नीचे देखिए आप सुमेलित करेंगे फिर उत्तर यहां पर मिलाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा दिखेगा नहीं हा? तो यहां पर हम लोग ऐसे मिला लेते हैं इसको, इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। अवस्था प्रथम कौन सी होगी, संवेगी गत्यात्मक अवस्था, इससे मैच करेगा। अवस्था द्वितीय जो होगी कौन सी होगी, पूर्व संक्रियावस्था होगी, और अवस्था तीन मूर्त संक्रियावस्था होगी, अवस्था चार आकारिक संक्रिया अवस्था होगी। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। इस तरीके से यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पर बी, जिसने मिला लिया होगा आंसर यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 वर्षीय राजमोहन जिसकी मानसिक आय 12 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो आई क्यू, कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा चुके हैं। आई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, मानसिक आय बटा वास्तविक आय मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे देखिए 12 बटा 10, मानसिक कितनी है 12 है और 10 वर्ष का वो लड़का है, तो वास्तविक 10 हो गई गुणे 100 हो गया, 10 इससे कट गया तो 120 हो गया। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी करना है सुमेलित। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहीं पे सुमेलित करेंगे, जैसे देखिए बुद्धि लब्धि और मौखिक विवरण से संबंधित है, इस बुद्धि लब्धि में बच्चा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आइए, 140 से अधिक क्या होगा, अभी मैंने आज के क्वेश्चन में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सब करवाया। 140 से अधिक है अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत वरीय गिफ्टेड प्रतिभाशाली, ये हो गया। बी है 130 से 139, ये कौन सा होगा, अति श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर उसके बाद 120 से 129, ये कौन सा होगा, ये श्रेष्ठ हो जाएगा, ये वाला तीसरा वाला होगा। फिर 90 से 109 के बीच ये हो जाएगा औसत। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 का उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, इससे एक का तीन, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का, इस तरीके से। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। विभिन्न अधिगम दोषों के संबंध में निम्नलिखित में असत्य को पहचानिए, विभिन्न अधिगम दोषों में से निम्नलिखित में से असत्य को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है कम या बिल्कुल अवबोध ना होना, इसे सेलेक्सिया कहेंगे, तो ये विकल्प आपका हो जाता है गलत, असत्य है। कम अथवा बिल्कुल अवबोध ना होना क्या कहलाता है, हाइपरलेक्सिया। किस में आता है, हाइपरलेक्सिया में, हाइपर लेक्सिया इस दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और सभी सुमेलित हैं। ये देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, मंदबुद्धि वाले बच्चों के लक्षणों में क्या शामिल नहीं किया जाता। मंदबुद्धि वाले बच्चों के लक्षणों में क्या शामिल नहीं किया जाता। आप सभी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के, जैसे एग्जाम के माहौल में आपको एक दिन के बाद पेपर देना, सेम वैसे माहौल से यहाँ पे पेपर दीजिए। बल्कि यहाँ पे देखिए, हम 6 सब्जेक्ट करवा रहे हैं, 6 सब्जेक्ट लगभग आपका 1.5 घंटे से 140 एक घंटा 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी करने पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का विकल्प यहाँ पे आपको कौन सा सही हो जाएगा, डी, तीव्र स्मरण शक्ति मंद बुद्धि वाले बच्चों में शामिल नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन से। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने आज तक देखा ना हो। बात देखने की है, आपकी नजर के सामने से जरूर सारे क्वेश्चन गुजरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, गिलफोर्ड। और आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, ए, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 स्वतंत्र आयाम बताए हैं, कौन कौन से, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, तीसरा है उत्पाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्रिया के 5 रूप कौन से हैं, जो यहाँ पे 3 उन्होंने आयाम बताए, पहला क्या बताया, विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया, तीसरा उत्पाद। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, संक्रिया के 5 रूप कौन से हैं, तो संक्रिया के भी 5 रूप है, संज्ञान हुआ, स्मरण हुआ, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता सी, बाद में बढ़ता गया था, तो 7 प्रकार की बुद्धियों का इन्होंने उल्लेख किया है। गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत है। इस विकल्प के अकॉर्डिंग विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता सी, 7। स्किनर संबंधित है किससे, स्किनर संबंधित है किससे। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है आपका, ए। अगला है, किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, सी, हॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रत्यय निर्माण के सोपानों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रत्यय यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसको संप्रत्यय निर्माण के सोपानों में शामिल किया जाता है। अवलोकन है, विश्लेषण है, तुलना है, पृथक्करण है, सामान्यकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, संप्रत्यय के सोपानों में अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यकरण, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो 12 के यहाँ पे उत्तर आपको यहां से मिलाना है, ए, बी, सी, डी। तो ऊपर सभी शामिल है तो ऊपर सभी हो जाएगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए इसको सुमेलित करना है। चलिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न उपागमों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आप सभी रिप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी से, आप लोगों की रिप्लाई बहुत फास्ट होनी चाहिए। चलिए 13 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैव सामाजिक जो उपागम है, आइजेक और कैटल, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये। मनोविश्लेषण उपागम किसका है, फ्रायड। सामाजिक अधिगम उपागम, कूलिंग, स्किनर। जैव शारीरिक उपागम, हिप्पोक्रेटस और गेल का। तो यहाँ पे 13 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, 13 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य को यहाँ पे पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, प्रोजेक्ट प्रणाली। 14 का सी, आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, किलपैट्रिक को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षण
प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, निरुत्साहित करने वाले प्रश्न भी पूछना। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सोलह, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया, और फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका वीडियो पे होना चाहिए। आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से 100% लाइव और लाइक का रेशियो एकदम से बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है पियाजे का, कोटेशन याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कथन जरूर पूछा जाता है, और जो मैंने नोट्स वाला वीडियो बनाया कि आप लोगों को प्रोवाइड किया वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, चाहे वो एकदम से स्पीड में ही बताया तो आप लोग फास्ट करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको प्रभावी शिक्षण विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? प्रभावी शिक्षण विधि के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाए? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, कक्षा में रटने पर बल देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक द्वारा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेयरी प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश का पौधा और स्वतंत्रता आंदोलन पर कहानियां लिखने को कहा गया। इस क्रिया विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस बुद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक भाषाई बुद्धि के विकास को प्रेरित करना चाहता है, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? 19 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, उच्च बुद्धि लब्ध, यहाँ पे उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शोधों के आधार पर मानवीय बुद्धि कौशल के परीक्षण के लिए बुद्धि गुणांक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये जो बालपन से वृद्धावस्था तक एक ही समान रहता है, अनुभव और अभ्यास से हालांकि इसमें थोड़ा विकास होता है लेकिन मूलतः गुणांक वही रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्रिया विधि द्वारा बालक में सामाजिकता विकसित होती है? 20 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है, बच्चे समूह में रहते हैं समूह में ही खेलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, त्रितंत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग के रिप्लाई बहुत ही स्लो, एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में आप लोग आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 21, त्रितंत्र, विकल्प सही हो जाता आपका बी, स्टैनबर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भाषा विकास की पूर्व वाक अवस्था के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? 22, पूर्व वाक अवस्था के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है जन्म से 15 महीने के मध्य, प्री स्पीच स्टेज, जन्म के उपरांत के प्रथम 15 महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्व वाक अवस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया के प्रकारों की दृष्टि से व्यक्तियों को कितने प्रकारों में विभक्त किया जाता है? व्यक्तियों को यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा किन प्रकारों में? 3 प्रकारों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आदेश में आने की स्थिति है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 24, विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? वुडवर्थ, ये कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, अच्छे प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न हो, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, कठिनाई के स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी।
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये दुर्खिम के द्वारा किया गया। इनका मत है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होती है, मूल्य होता है, भाव होता है, विश्वास, आदर्श, संस्कार और कुछ मान्यताएं होती हैं जो कि प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली होती है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो मैच्योरिटी, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, ये रास का कथन है। नेक्स्ट, सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी, दो बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, आराम से यहां पे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 आपको यहीं पे देखिए मिल जाएगा, तीन में ही देखिए, एबीसी में। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का जो सोपान है ब्लूम के द्वारा वो किस क्रम में है? 29 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये, देखिए यहां पे ज्ञान है, फिर समझ अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। आप लोग ये क्रम याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है, यह वंशानुक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है? केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती, कुछ ही गुण पैतृक से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, चयनित गुणों का सिद्धांत, चयनित गुणों के सिद्धांत में ही होता है कि केवल कुछ गुणों में ही वंश परंपरा होती है, यानी कि वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण शामिल नहीं रहते, कुछ गुण ऐसे भी होते जिन्हें व्यक्ति वातावरण से प्राप्त करता है। बात समझ में आ रही है? वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले गुणों में जैसे आंखों का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है, खून का प्रकार, चेहरे की बनावट, ये सभी है। अब यहाँ पे आप बताइए फाइनली 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, जल्दी से बताएं। 30 में से आप लोगों की स्कोरिंग कितनी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, 30 में से 29, 30, गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अब बताइए आप लोग 30 में से 30 पा रहे हैं तो एग्जाम को लेकर के कहाँ एकदम से चिल्लाहट मचा रखी है, ये है वो है ऐसे वैसे, ना एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप पास होकर के निकलेंगे, नोट कर लीजिए। और कुछ भी कितना भी आपको आ रहा है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आप हड़बड़ाने लगे, एकदम से घबराहट आ गई आप में, तो आप कहाँ नहीं जा सकता, भगवान के ऊपर है, नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है ना आधे से कई गुना वो बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और फुल कॉन्सेंट्रेशन में आप एग्जाम के लास्ट तक भी नहीं बैठ पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्शन हिंदी है, 31 से 35 तक ये किससे, किस पर आधारित है? 31 से 35 तक आपके गद्यांश पर आधारित है। अब आगे आ जाते हैं, 31 से 35 हम लोग छोड़ते चलेंगे। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर, बस और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और फुल स्पीड में पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, एकदम से पूरे स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 36, पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी का पोर्शन, निम्नलिखित में से कौन अनुरणात्मक शब्द है? 36 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कौन सा? 36 जी, खड़खड़, थर्टी सिक्स, हाँ, अनुरणात्मक शब्द वे होते हैं
जिनसे ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है, जैसे खड़खड़ ना। क्वेश्चन नंबर 30 से बने, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 37। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। देखिए आप लोग एकदम से स्लो हो रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में बिल्कुल नहीं पहुंचना है, बस एक दिन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी अक्षोट। 37 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी अक्षोट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का समानार्थी नहीं है? निशीत का समानार्थी नहीं है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी सी तम। तम निशीत का नहीं बल्कि अंधकार का समानार्थी है, जबकि रात्रि, रजनी और निशा ये सभी निशीत के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उन्मूलन शब्द का विलोम, क्वेश्चन नंबर 39। पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी रोपण। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म भौरा और सहेली को प्रदर्शित करता है? भौरा और सहेली को कौन सा युग्म प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी अली और आली। अली और आली, अली का अर्थ होता है क्या? अली का अर्थ होता है भौरा और आली का अर्थ होता है सहेली। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 41 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बनावट। बनावट स्त्रीलिंग है। 42 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, क्वेश्चन नंबर 42। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी अक्षर शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। 43 पे आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा शब्द नहीं? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा शब्द नहीं है? 43 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए प्रथम पुरुष। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द कौन सा क्या है? उस शब्द क्या है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? 44 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी संकेतवाचक विशेषण है ये। अगला, निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान करना आपको 45 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी निश्चय बोधक है, यात्री बस से गिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तात्कालिक वर्तमान क्या है? तात्कालिक वर्तमान क्या है? 46 का ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 बी राधा सो रही है। राधा सो रही है, इस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है, क्योंकि इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। नेक्स्ट है 47, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? 47 है, विकल्प सही हो जाता है आपका सी बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प आपके यहां पे सही हो जाता है सी बोलने का विषय। 48 है, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? 48 पे आते हैं, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 48 का सी को हिंदी उपसर्ग है, और सभी ये प्र है, अधि है, सु है, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। 49 पे आ जाते हैं, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 50 का विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी तत्धन लीन। तल्लीन का तत्धन लीन।
कौन सी संधि है? इसमें आपकी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं, यथारुचि में समास है, यथारुचि में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 51 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अव्ययी भाव समास। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 52। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी। अब आ जाते हैं 53 पर, क्वेश्चन नंबर 53, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 53 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सही हो जाता है आपका सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 54। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 54। आप लोग जितनी भी लोग हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ साथ में आपकी रिप्लाई बड़ी फास्ट होनी चाहिए एकदम से। अभी हम 54 पे पहुंचे, आप लोग की रिप्लाई पीछे है, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम वीडियो को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है मानवीकरण। जहां जड़ पदार्थ या प्राकृतिक पदार्थ का मानवीय रूप दिया जाए, उनको मानवीय रूप दिया जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। यहाँ पे उषा का मानवीकरण किया गया। नेक्स्ट है वैशाली की नगर बधु, वैशाली की नगर बधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55। 55 का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? वैशाली की नगर बधु, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भाषा कौशलों का विकास, भाषा कौशलों का विकास है। अगला आपका क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 57 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, विकल्प यहां पे सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे बेहतर है? 58 व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि कौन सी है? 58 ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र या सिद्धांत रटा दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण देकर के सिद्धांत को स्पष्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 59 है पाठ्य सामग्री का चयन करते समय कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं? अब यहां पे एक मिनट देख लेते हैं 59। देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया पाठ्य सामग्री का चयन करते समय कौन सी बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो विकल्प में आपका यहां पे सही हो जाएगा सी, सरस और भाषा कौशलों का पोषण करने वाली रचनाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा है, भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे ज्यादा महत्व किस बात पर देंगे? क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। 60 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे बताइए आप लोग हिंदी में 5 तो हमने छुड़वा दिए, आपको गद्यांश भी आपके एग्जाम में शामिल होगा, 25 में आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हिंदी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोगों ने क्या कवर किया, CDP कंप्लीट कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो CDP में आपके 30 क्वेश्चन हमने कराए, यहाँ पे आपके 25 करवाए, ठीक है? आप लोग कितना स्कोर कर पाए दोनों में जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा आपका सब्जेक्ट कौन सा है? दूसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा अगला है पर्यावरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और पर्यावरण के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। यहाँ पे 121 पे आ जाते हैं, 121
पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग स्कोरिंग जल्दी से बताएंगे, और एक बार सभी लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी ऑक्सीजन, O2 है ये, O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है 122 है, चलिए रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी से, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 122, निम्न में से मृदा जल मुख्यतया कितने प्रकार का होता है? चलिए 122 का यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही हो जाता है? बी तीन प्रकार का। कौन कौन से तीन प्रकार? एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रता ग्राही जल, दूसरा है कैपिलरी वाटर केसिका जल, तीसरा है ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वाकर्षण जल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कौन सा जल पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है, कौन सा जल का ये उपयोग कर पाते हैं, आद्रता ग्राही का, केसिका जल का या गुरुत्वाकर्षण जल का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आ जाते हैं यहाँ पे 123 से, देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई? 123 का यहाँ पे उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इन दोनों में से ही सही हो जाएगा वर्ष 2011 वर्ष 2012, 11 और 12 में से विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। वर्ष 2011 में देश में पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी, कब? 1 अक्टूबर 2011 को, हावड़ा और धनबाद के मध्य। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किन वनों में प्राणियों और पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 124 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, निम्न विकल्प में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी। इसका कारण क्या है? इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा और उपयुक्त तापमान बना रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से सिटीएस एलटीएस फोर्टीएस किस खेल का मोटो है? खेल भी आपके सिलेबस में है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 125 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए ओलंपिक खेल का। किस खेल का? ओलंपिक खेल का। सिटीएस एलटीएस फोर्टीएस मतलब सबसे तेज सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर, सबसे तेज सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर, ये ओलंपिक खेल का मोटो है। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस सन में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? मुगल सम्राट अकबर ने किस समय में? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही फास्ट, 127 बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, 30 में से 30 ईवीएस में आप लोग स्कोर करेंगे। 127 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए 1575 में। क्लियर है, अकबर ने 1575 में प्रयाग का नाम बदलकर अल्लाहाबाद किया था। क्या किया था? अल्लाहाबाद में ली, अल्लाहाबाद ये किया था, मतलब लोगों में ये अल्लाहाबाद से क्या हो गया? इलाहाबाद हो गया, बोलते बोलते लोग नाम गड़बड़ कर देते हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? फिर से प्रयागराज कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट 128 है, मुड़िया पूर्णिया मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिया मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? मेला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 128 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी मथुरा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन है? स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में कौन है? 129 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी दामोदर घाटी परियोजना।
ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी का यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, हिमालय पर्वत की निम्न में से कितनी घुमाव युक्त व मोड़दार भुजाएं हैं? 130 है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 130 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दो। मिली दो घुमावदार घुमायुक्त मोड़दार भुजाएं हैं। उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे सिंधु गार्ज है, उत्तर पश्चिम में कौन सी है? सिंधु गार्ज है। और उत्तर पूर्व में कौन सी है? दिहांग गार्ज है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 131, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए आप लोग रिप्लाई कौन सा सही होगा। 131 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 131 का जी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 19(4)(b) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। 132 से पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? 132 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 132 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बालक को पर्यावरण संबंधी शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, क्वेश्चन नंबर 133। तो देखिए यहाँ पे भाषा विज्ञान गणित और सामाजिक विषयों के माध्यम से पास पड़ोस के पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करके, ये भी सही है। जीव जंतुओं पेड़ पौधों नदी तालाबों और मिट्टी का ज्ञान प्रदान करके जीवन में पर्यावरण के महत्व की जानकारी प्रदान करके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय किस प्रकार योगदान प्रदान कर सकते हैं? 134 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ये सारा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी सी और डी, इस तरीके से उपर्युक्त सभी। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? 135 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए, जोहान्स वर्ग सम्मेलन को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है जोहान्स वर्ग सम्मेलन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, किस प्रकार के जीव पारितंत्र में अपघटक के अंतर्गत आते हैं? विषाणु, कवक एवं विषाणु। ऑप्शन आपका 136 का कौन सा सही हो जाएगा? 136 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, कवक जीवाणु एवं केचुआ आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है 137 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 137 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 15। ठीक है, 137 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 15। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1954। अगला क्वेश्चन है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? कोयला और खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? एक मिनट जस्ट पानी पी लेते हैं। का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, अनभ्यकरणीय। कई बार ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, अनभ्यकरणीय जिनको हम बहुत लाखों करोड़ों वर्ष के बाद प्राप्त कर सकते हैं, मेनली वो जो कौन से ईंधन होते हैं? अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम होते हैं मेनली।
जो जमीन के नीचे करोड़ों वर्षों के बाद वो तैयार होते हैं। अब वहां पे देखिए जो कोयला बनता है, जीवाश्म ईंधन, मिली जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन, उसमें भी जो कोयला होता है, देखिए कोयला जो पेड़ पौधे जमीन के पहले, जमीन में बहुत पहले दब गए होते हैं उनसे बनता है कोयला, और पेट्रोलियम जो जीव जंतु दबे होते हैं उनसे बन जाता है पेट्रोलियम। दोनों की प्रक्रिया एक ही होती है लेकिन अलग अलग है। पेड़ पौधों से कोयला बनता है, जीव जंतुओं से क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लेते हैं 139 है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। 139 है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ऑनेस्टी के साथ 100% सभी लोग रिप्लाई, सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार सभी, आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। लाइव और लाइक का रेशियो आप लोग देखिए, कम से कम जो डिसलाइक करने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज तो जा सके कि हाँ लाइक करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो 139 पे आ जाते हैं, जल्दी से लाइक करते रहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। 139 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया विकल्प सही हो जाता है आपका बी, केशवानंद भारती। अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ। 140 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, 140 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पर्यावरण विद्ते लियोपोल्ड और सहयोगियों ने 1971 में पर्यावरणीय अधिप्रभाव के आकलन के लिए एक योजना तैयार की जिसे लियोपोल्ड मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है देश में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया। 141 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, बहुत बढ़िया विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 1986 में। 141 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 1986 में। देश में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निम्न में से क्या कार्य है। 142 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन का संचार करना, ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाने और ले आने का कार्य करता है, मिली निकालने का ही कार्य करता है। अगला है 143 है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है आपको बताना है जल्दी से। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, 143 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, टिटनेस। टिटनेस को लॉक जब, क्या कहते हैं, लॉक जब या धनुष टंकार कहा जाता है। ये रोग किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से नहीं होता बल्कि ये जीवाणु की वजह से होता है। इस जीवाणु का नाम क्या है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से टिटनेस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 144 पे जीवाणु जनित रोग नहीं, जीवाणुओं से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। 144 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और एक संक्रामक रोग है, मादा एनाफिलीज मच्छर इस रोग की वाहक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाहक मच्छर है ना, लेकिन होता किसकी वजह से, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है जो प्लाज्मोडियम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। एकदम से परफेक्ट गेस पेपर आपका यहाँ पे चल रहा है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा सिलेबस रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम हॉल में 100% अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। 145 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है
पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है, पर्यावरण कार्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है, 146 पे आ जाते हैं। 146 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेल सही नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। 146 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कालाजार नामक रोग किससे फैलता है, निम्न में से कालाजार नामक रोग किससे फैलता है। 147 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, 147 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 147 का सी, लिस्मैनिया डोनोवानी। कालाजार लिस्मैनिया डोनोवानी नामक ये क्या है, प्रोटोजोवा परजीवी से होता है। इस परजीवी का वाहक क्या है, बालू मक्खी सैंड फ्लाइज, सैंड फ्लाइज। इसमें क्या होता है, रोगी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 148, निम्न में कौन सा अनुच्छेद व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। 148 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को उल्लेख करता है। इसके अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में सभी जगह व्यापार वाणिज्य और समागम होता रहेगा और ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 का संशोधित रूप है, 92 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 149 है, 149 आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। 149 देश का 48वां टाइगर रिजर्व को किस वर्ष में घोषित किया गया, 48वां विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, 2015। वर्ष 2015 में उत्तराखंड स्थित राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया था और यह भारत का कौन सा था, 48वां टाइगर रिजर्व था, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से ISO का पूर्ण रूप क्या है, ISO का पूरा नाम क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है जल्दी से, आप लोग विकल्प पढ़ करके फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, चलिए रिप्लाई करते रहिए। 150 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 150 का ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाता है ईवीएस का क्वेश्चन कंप्लीट, 150 हो गया तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन ईवीएस का कंप्लीट हो जाता है। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए जल्दी जल्दी इस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए फटाफट से आप लोग। एक बार जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा किस सब्जेक्ट का हम लेके चलेंगे, चलिए यहाँ पे संस्कृत लेके चलते हैं। ठीक है, संस्कृत हम लोग कवर कर लेते हैं, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 में 28 बहुत बढ़िया, 26 एक्सीलेंट। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, एक से देखिए यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, एक से पांच तक यहाँ पे, यानी कि पांच क्वेश्चन आपके गद्य से रिलेटेड होंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप क्या होगा। 66 क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप आपको बताना है। चलिए विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा, स्टार्ट करें 66, ऑप्शन सही हो जाता है आपके यहां पे डी, बाल का नाम। 66 का विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा डी, बाल का नाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पराजेर सोड़ा किस विभक्ति का सूत्र है, 67 है, पराजेर सोड़ा किस विभक्ति का सूत्र है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा पंचमी विभक्ति अपादान कारक का यह सूत्र है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी। कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है, कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है, 68 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, चलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे, वर रुचि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 69 है, अनवर्थक शब्द में उपसर्ग है, अनवर्थक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, 69
विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, अनुपसर्ग। इसको कैसे तोड़ेंगे? अनुधन अर्थक, जो मूल शब्द है अर्थक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुवर्थक। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, अध्वनिना का अर्थ क्या है? अध्वनिना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए पथिक, प्राचीन का प्राच्य। क्या होगा? प्राचीन का प्राच्य। मछली का मीना, पवित्र का शुचि। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है खादित्व में प्रत्यय कौन सा है? खादित्व में प्रत्यय आपको बताना है। 71 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। 71 का डी कत्व प्रत्यय, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे। डी कौन सा प्रत्यय? कत्व प्रत्यय है। अगला है खादित्व का, यहां पे अगर अलग करेंगे खाद धन क्या हो जाएगा? कत्व। अगला है शत्रु प्रत्यय का उदाहरण है, शत्रु प्रत्यय का उदाहरण क्या है? 72 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी इच्छन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रू धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ब्रू धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन आपके यहां पे कौन सा सही होगा? 73 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी ब्रुवंतु। क्या होगा? ब्रुवंतु होगा। ब्रू धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला क्वेश्चन है आप सभी का ब्रवीतु ब्रुताम ब्रुवंतु, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है, निम्नलिखित वाक्य में आपको शुद्ध बताना है 74 में। ऑप्शन आपके यहां पे कौन सा सही होगा? 74 ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी विद्यालय परिता वृक्षा संति। अगला है 75 है दारा शब्द में लिंग है, दारा शब्द में कौन सा लिंग है? 75 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है दारा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 76 है यहां पे देखिए निर्मक्षिकम में समास है। 76 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा। पंचानन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 है पंचानन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सही हो जाता है आपके यहां पे सी मुख है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है गर्दन का ग्रीवा होगा, तालु का तालु हो जाएगा, और फिर उसके बाद तलवा का करतल होता है। अगला है बाल का लिखति का भाववाच्य होगा, बाल का लिखति का भाववाच्य क्या होगा? 78 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी बालकेन लिख्यते। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी बालकेन लिख्यते। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप होगा। 79 विकल्प सही हो जाता है आपका बी रम्या। रम्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप क्या होगा? रम्या। विनायका में संधि है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। 80 नंबर की क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 80 नंबर विनायका में संधि कौन सी है? विनायका में संधि आपको बताना है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 80 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अयादि संधि। विनायका में अयादि संधि है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। संस्कृत का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करें, 3 सब्जेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं सीडीपी हिंदी एवीएस, अब चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे संस्कृत चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। विनायका में यहाँ पे 81 है, निरोगा में संधि 81। अच्छा विनायका का संधि विच्छेद विनयधन, यहाँ पे देखिए विनयधन अक। कौन सा ये संधि है?
आपको बताया ही जा चुका अयादि है। निरोगा में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 81, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा विसर्ग संधि सी, संधि विच्छेद, निधन, रोग। अगला क्वेश्चन आपका 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे डी, पारा। पारा क्या है, धातु है। सत्यम, संप्रति, स्पष्टम, ये सभी क्या है, अव्यय है। अगला है, किस प्रत्याहार के वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, किस प्रत्याहार के वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, इया और मा। अगला क्वेश्चन है 84 है, का से मा तक के वर्ण हैं, का से मा तक के वर्ण हैं, 84 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, स्पृष्ट संज्ञक, स्पृष्ट संज्ञक। अस्पृष्ट संज्ञक में का से मा तक के वर्ण आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 85 है, स्मृति धातु किस अर्थ में है, क्वेश्चन नंबर 85, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, याद रखना, याद करना। अगला है, स्मृति धातु का प्रयोग याद करना के अर्थ में होता है, यहाँ पे देखिए भू धातु होना के अर्थ में, हन धातु मारना के अर्थ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है, गद्य शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन नंबर 86, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त में से सभी विधियां, उद्बोधन विधि, टीका विधि, स्पष्टीकरण विधि, ये सभी गद्य शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 नंबर का क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल, ठीक है, भंडारकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, छंद से रहित विद्या को, छंद से रहित विधा को कहते हैं, छंद से रहित विधा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 88, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, उसे हम कहेंगे छंद से रहित विधा को कहेंगे गद्य कहेंगे, छंदों से युक्त विधा पद्य या श्लोक। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना क्या होता है, छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना क्या कहलाता है, उद्बोधन कहलाता है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, उद्बोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 90, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है, 90 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन आपका क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे संस्कृत के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे कंप्लीट, कितने क्वेश्चन 25, 5 गद्य वाला हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोगों के आदेश के अनुसार, आप लोगों के आदेश का पालन करते हुए 5 क्वेश्चन हम कर देते हैं वहां पे स्किप, और 25 में से आप लोग स्कोरिंग अपनी बताए कितना आप लोग सही कर पाए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब कितने लोग चाहते हैं मैथमेटिक्स कराया जाए आगे इंग्लिश भी, या तो इस क्लास को खत्म कर दिया जाए, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जल्दी बताइए। चलिए ओके, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, मैथ्स और इंग्लिश भी हम कंप्लीट करते हैं, चलिए जल्दी से इसे भी कवर कर लेंगे। ओके बहुत बढ़िया, मैथ्स की तरफ आ जाते हैं। गणित की भाषाएं प्रकृत अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 मैथ्स का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कवर, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अधिक सुदृढ़, क्लियर। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है 92, गणित की भाषा का अंग है, 92 है। संकेत, सूत्र, संख्या, ये सभी गणित की भाषा के अंग है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 93 की तरफ। छात्रों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए एक गणित शिक्षक में निम्न में क्या गुण होना चाहिए या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी होने चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान सभी शिक्षक को होना चाहिए। गणितीय उपकरणों का प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए। गणित की कक्षा संचालन करने की क्षमता उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 94। गणित विषय में सूत्रों को प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विधि है। गणित विषय में बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 96 है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 96 है, यह कथन है डेविड व्हीलर का। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी। 97 है, वैभव गणित के सवालों को ठीक से नहीं पढ़ पाता है। वैभव किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? वैभव गणित के सवालों को ठीक से नहीं पढ़ पाता है, तो वैभव किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? क्वेश्चन नंबर 97, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 97, बार बार ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। विकल्प आपका सही हो जाता है सी, डिस्लेक्सिया, गणना करने में अक्षम है। एक मिनट, 97, हाँ ठीक से नहीं पढ़ पाता है, तो 97 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया, गणना करने में अक्षम होता है तब, और डिस्ग्राफिया, लेखन विकार है, डिस्लेक्सिया, पठन विकार है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है अब 98। देखिए यहाँ पे जो डिटेल, हाँ यहाँ पे देखिए 98, यहाँ पे इसका परिमेय रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 पे परिमेय रूप क्या होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 98, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है संख्या 45, 96, 96 में 9 के स्थानीय मानों का योग होगा। 9 के स्थानीय मान का योग, यहाँ पे एक स्थानीय मान का योग कितना होगा? इसका स्थानीय मान 1, 2, 9 है ना, तो यहाँ पे 9 फिर 3 0, 9000 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसका स्थानीय मान 90 हो गया, 90 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बी, 9090। अगला क्वेश्चन है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 7 अभाज्य संख्या 2 धन 3 धन जोड़ते जाइए, 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17, विकल्प सही हो जाएगा आपका बी 58। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 2 संख्याओं का मास है 12 है और संख्याओं का गुणनफल इतना है 1728 है, 3 संख्याओं का लस है। सूत्र से आप सभी जानते हैं 2 संख्याओं का जो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है? संख्याओं का लसा गुणे मासा, तो लसा गुणे मासा फिर इधर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है? तो संख्याओं का गुणनफल 1728 बराबर कितना हो जाएगा? लसा गुणे 12, तो लसा बराबर बटा 12 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 144। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 144। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के आधे से 9 कम प्राप्त होती है, वह संख्या कौन सी होगी? अब चलिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं संख्या, इसको पूरा हल करके दिखाएं या फिर आप लोग हल कर लेंगे जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, आंसर बता देते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, चलिए आंसर बता देते हैं। क्लियर है? ठीक है, 102 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक्स मान करके आप लोग हल करेंगे, बना लेंगे समीकरण, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और यदि संख्या के अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, संख्या के अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के आधे से 9 कम प्राप्त होती है। चलिए अब यहां पे देखिए,
इसके लिए चलिए हम पहले मान लेते हैं संख्या, संख्या 10x - y है, ये हम संख्या मान लेते हैं 10x - y। चलिए ये हो गया। प्रश्न के अनुसार क्या, यदि संख्या के दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए x - y = 9 है, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण आपका हो गया। फिर उसके बाद से देखिए कहा कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, हमने संख्या 10x - y मानी है, तो 10y - x बराबर क्या होगा, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के आधे से 9 कम हो जाएगी, तो जो प्राप्त संख्या होगी 10x - y आधे से 9, आधा हो गया, 9 कम -9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरा समीकरण आपका हो गया, दूसरा समीकरण या तो ये करिए या तो इसको हल करके कर लीजिए। फिर उसके बाद समीकरण को आप चाहे घटा दीजिए जोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप हल कर लेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 103 है, अब इसका मासा आपको निकालना है, ये मासा से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, 103 है, तो इसमें भिन्नों का मासा क्या हो जाएगा, ये देखिए 5, 25 और 15 का आप लोग मासा निकाल लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11, 22 और 44 का आप लोग लासा निकाल लेंगे। क्लियर है, इसका जो निकालेंगे उत्तर क्या आ जाएगा, 5/44, इतना आप लोग कर लेंगे, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इसका, ये देखिए 104 है, भाग और यहाँ पे जोड़ है, तो इसमें सबसे पहले जोड़ नहीं करेंगे, भाग कर लेंगे। जो एक रूल है, का को पहले तोड़िए ता पीछे दे, भाग गुणा करे धन जोड़ के, ऋण को दे घटाए, ऐसा कुछ, तो फिर उसके बाद ये बोर्ड मास का रूल होता है, फिर उसमें भी यहाँ पे देखिए पहले आप भाग करेंगे, तो 15 का भाग करेंगे, 15×5.04 प्लस यहाँ पे 1.06 है, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5×6 फिर इसके बाद यहाँ पे 4×10 यहाँ पे 5.6010 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 105 पे 735 मीटर लंबी लोहे की छड़ से 10.5 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, छड़ की कुल लंबाई कितनी है, छड़ की कुल लंबाई 735 मीटर है ना, अब एक टुकड़े की लंबाई इसका भाग दे दीजिए, 10.5 का भाग दे दीजिए, 10.5 का यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ से 10 हटा दीजिए, भाग दे देंगे आप तो 7 बार हो गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 0 विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता, बी 70 हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 800 रुपए का 80% का 50% का 40% कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 800 रुपए का 80% का 80/100, 50% अब उसका भी 50% 50/100, उसका भी 40% 40/100 हल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये इससे हो गया, फिर ये इससे हो गया, 10 इससे कट गया, फिर ये इससे हो गया, फिर ये में आप काट लीजिए, 106 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 128 रुपये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला है 107 है, विनोद एक स्कूटर बेचता है जिसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 है, विनोद को लाभ या हानि प्रतिशत होगा, कितना होगा। अब मान लेते हैं, अब मान के ही हम लगाते हैं, माना क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 100 हो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो x माइनस 4x/5 बटा पूरा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमने x माना है गुणे 100, इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना, x में से 4 यहाँ पे देखिए, अब इसका लासा निकालेंगे 5 आएगा, अब यहाँ पे 5 हल करने के लिए 5x - 4x/ यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 1/5 ऊपर हो गया, 1/5 फिर भागे पूरे का भागे x हो गया गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x है, फिर उसके बाद 5 20% हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 108, एक किसान ने गांव के एक साहूकार से 8% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया,
3 वर्ष पश्चात उसने 14,880 रुपए देकर पूरा कर्ज चुका दिया। उधार ली गई धनराशि कितनी होगी? 108। मान लीजिए उधार ली गई धनराशि कितनी हो जाएगी? एक्स रुपए इतनी होगी। दर कितना है? 8% है, वार्षिक है। समय एन बराबर 3, मिश्र धन बराबर 14,880 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने निकालेंगे साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से आपको जो उधार ली गई राशि है, ये इसमें से उधार ली गई राशि आप घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 14,880 माइनस एक्स आप कर देंगे, साधारण ब्याज बराबर इतना, ये हो गया। फिर बराबर क्या हो जाता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन एक्स हो गया, दर 8 हो गया, समय 3 हो गया बटा 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा एक्स बराबर आपका विकल्प आ जाएगा डी सही, 12,000 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और एक जीवा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? 109 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए 109। चलिए विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 3 सेंटीमीटर। कैसे लगाएंगे हम इसे? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? संधिभाजित करता है। तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक जीवा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी पूछी जा रही, केंद्र से जीवा की दूरी। तो यहाँ पे एसी कोई मतलब एबी और एसी मान लेते हैं, तो ये 8/2 हो गया। जीवा को संधिभाजित करेगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद केंद्र से जीवा, केंद्र से जो जीवा है उसकी दूरी कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए छोड़िए, हल कर लेंगे। फिर 110 है, 12 भुजाओं वाले समभुज के अंतर प्रत्येक अंतर कोणों की अंश माप कितनी हो जाएगी? इसका एक सूत्र होता है n माइनस 2, एक सूत्र होता है n माइनस 2 गुणे 180 बटा n हो जाता है कोण के अंश माप, जो n भुजाओं वाले समभुज के प्रत्येक अंश कोण की प्रत्येक अंतर कोणों की अंश माप का ये सूत्र है n माइनस 2 गुणे 180 बटा n कर लेंगे। तो 12 भुजाएं यहाँ पे, 12 भुजाएं समभुज की कितनी भुजाएं? 12 भुजाएं, तो n की जगह पे आप 12 रख दीजिए, 12 माइनस 2 गुणे 180 बटा 12 कर दीजिए, फिर आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ पाइथागोरस लगेगा, उसको माइनस करेंगे, सही बात, अंडर रूट करके पूरा वो वर्ग, हाँ ऐसे होगा इस वाले सूत्र में, सवाल में 110 है, विकल्प यहाँ पे आपका ऐसे हल कर लेंगे आ जाएगा। चलिए 12 माइनस 2 10 गुणे 180 बटा 12 हो जाएगा। फिर 10 गुणे यहाँ पे 12 25, फिर यहाँ पे 10 गुणे हो जाएगा 15, तो आपका 150 हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेगा, नेक्स्ट है। एक कोण अपने संपूरक कोण का एक तिहाई है, कोण का मान कितना हो जाएगा? 111। एक कोण अपने संपूरक कोण का, कोण x है तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? संपूरक कोण ध्यान दीजिएगा बताने का पर्पज, बस इतना 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? एक कोण हमने मान लिया x, तो अपने संपूरक कोण का, संपूरक कोण इतना हो गया 180 माइनस x का एक तिहाई, x बराबर 180 माइनस x बटा 3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर 180 माइनस x हो गया, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा, 4x बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश, विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है। एक ईंट जिसकी बीमा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, एक दीवार जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 ऊंचाई 5 मीटर है, इसको बनाने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? अब देखिए आवश्यक जो ईंटें हैं वो कितना होगा? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन आपको लगा देना है, तो इतनी ईंट लगेगी, कर ले जाएंगे आप लोग। दीवार का आयतन निकाल लीजिए, फिर एक ईंट का आयतन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ईंटों की संख्या आपकी निकल जाएगी। दीवार का आयतन कितना हो जाएगा? एक ईंट की बीमा ये है, दीवार की ये है, तो देखिए यहां पे दीवार का आयतन 36 गुणे, एक चीज आपको और यहां पे कर देना है,
ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। एक काम आप करिए, ये सारी ईंट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर को ही सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पे देखिए 36 गुणे आप कर दीजिए, 36 गुणे 100 करिए, फिर सेंटीमीटर ये 10 है, 5 में 100 का गुणा कर दीजिए, 5 में 100 का गुणा 500 हो गया। यहाँ पे 3600 गुणे 10 गुणे 500, हाँ, फिर उसके बाद 10 गुणे 5 गुणे 3 कर दीजिए, यही हल कर लीजिए। विकल्प आपका यहाँ पे हो जाएगा डी 12000। क्लियर है, 12000 होगा, 112 का सी होगा। बस हल करने के ऊपर है, इधर आप उसका आयतन निकालेंगे, दीवार का आयतन, फिर एक ईंट का आयतन। बस इसमें एक टेक्निक, थोड़ी सी टेक्निक क्या थी, ध्यान देने की बात है, जो मीटर है उसको आपको सेंटीमीटर में बदल लेना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आज मंगलवार हो तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो 73 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 73 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 73/7, 7 × 10 = 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा। तो 73 दिन के बाद मंगलवार में प्लस 3 दिन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन, एक गेंद जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि गेंद को बीच से काट दिया जाए तो आधी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद की त्रिज्या आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² इसी में आप रख दीजिए, 3π × 3 है ना, तो आर की जगह पर 3 × 9 हो गया, 9 × 3 = 27, ये विकल्प आपका सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई की 1/4 यदि खेत का परिमाप इतना है तो खेत की लंबाई कितनी होगी। मान लेते हैं खेत की लंबाई कितनी है, खेत की लंबाई पूछ रहा है, तो x मान लेते हैं, खेत की लंबाई बराबर x मीटर है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई की 1/4 x/4 हो गई। खेत का परिमाप कितना 180 है, तो 180 बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई का 2 × 2 × x / x/4, आप लोग इसे हल कर लीजिए बस हो गया। तो 180 बराबर कितना हो जाएगा, 180 बराबर हो जाएगा 2 × x 5x/4, यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 180, ये है ही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे आप, तो हो जाएगा 180 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद हल करेंगे तो पूरा आपका उत्तर यही ऐसे ही हल करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 115 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, लंबाई x बराबर जो निकलेगा वही हो जाएगा सी आपका 72 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, एक घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, बॉक्स का आयतन क्या होगा। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a², ठीक है। तो 216 ये बराबर कितने के है, 216 के, 216 बराबर कितना हो जाएगा 6a², a² बराबर कितना हो जाएगा 36, a बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा। एक अभी देखिए ये पूछा गया आयतन, अभी तो एक भुजा निकली ना, एक भुजा निकली है, तो बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की घाते 3, भुजा क्यूब हो जाएगा, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 36 × 216, विकल्प आपका यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 117 है, प्रश्न संख्या 6254 और इसके अंकों के क्रम को उलटने से प्राप्त संख्या में अंतर का घनमूल, देख लो आसान सा क्वेश्चन है, बस इधर उधर करना है इसमें, इसके और इसके अंकों के क्रम को उलटने से 6, 2, 5, 4, अब इसको उलटिए पलटिए 4, 5, 2, 6, संख्या इतने अंकों के उलटने पलटने से प्राप्त संख्या में अंतर का घनमूल, अच्छा अंतर इसमें कर लेते हैं 1728, अब इसका घनमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोग डर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, लेकिन अगर आप घर पहुंचते हैं फिर जब मिलाने लगते हैं तो देखिए कितना पछतावा होता है कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, हम लोग चाहते तो कर लेते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बस इलाहाबाद से आजमगढ़ के लिए 8 AM पर कब निकलती है? 8 AM पर रवाना होती है। यात्रा में उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। बस आजमगढ़ कितने बजे पहुंचेगी? 118 है। आप देखिए आजमगढ़ पहुंचने का समय क्या होगा, ध्यान से देखिए। 8 AM पर रवाना होती है, यात्रा में उसने 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 8 बजे। तो यहां पे आप जोड़िए कितना समय लगता है, ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट, तो यहां पे 8 घंटा 0 मिनट। अब इसको जोड़ेंगे 6 घंटा 30 मिनट में, अच्छा 14 घंटा 30 मिनट हो गया, 14 घंटा 30 मिनट हुआ। फिर उसके बाद ये कितना हुआ, यानी कि 2:30, 14 घंटा 12 के बाद देखिए 13:14, 2:30 PM विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है, सी, क्लियर है, PM होगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 से 120 तक, अब यहाँ पे इस पर आधारित सवाल है। एक विद्यालय में 720 छात्र हैं और वे प्रत्येक वो विभिन्न खेल खेलना पसंद करते हैं, जिसे पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया गया। अब बस इतना दिखाएगी, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विद्यालय में हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या, सॉरी, हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? पूरा कितना है? 360 है, 30 है ये, तो 30/360 गुणे कितना हो जाएगा, 720 छात्र हैं, गुणे 720 हो जाएगा। हल करेंगे, भारतीय जनता छ 72 6 0 60, विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, बी। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 120 पे। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों वाले छात्रों की संख्या में अंतर होगा। क्रिकेट फुटबॉल, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, 240-90, अब यही कर देना आप, डायरेक्ट कर दीजिए क्या, 240-90/360 गुणे 720 कर दीजिए, तो ये इतना 150/360 गुणे 720, 360 गुणे 720 हो गया यहाँ पे, बार 3 36 12 6 72, 3 5 15 0, 5 6 23, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी, 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, 300, क्लियर हो। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स हो जाता है कंप्लीट, हाँ? अब यहाँ पे आप लोग कितना स्कोर कर पाए, चाहे जिसने भी तुक्का लगाया, चाहे जैसे भी, आप लोग अपना कमेंट नीचे जरूर छोड़िएगा। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, मैथमेटिक्स भी आपको 30 नंबर देगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज है, आप लोग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक चीज हम बताएंगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट है आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही आसान से। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट से कहेंगे जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, जहां पर भी आप उलझ जाए ना, उसको छोड़ दीजिएगा, बहुत बढ़िया। फुल मार्क्स अगर मिला है, पूरे मार्क्स अगर मिले हैं, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर 30 स्कोर हो जाता मैथ्स में ना, तो और सब्जेक्ट आप लोग स्कोर कर ले जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। जो मैथ्स इधर कवर कर ले जा रहा है, फिर इसमें आप देखेंगे CDP भी नॉर्मल सा ऐसे आएगा, फिर हिंदी भी, और आपका क्या EBS, उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है हिंदी, तो उसमें तो कन्फर्म होगा, ये हो गया। और जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो या संस्कृत हो, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है ना, आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली हम आपको बता देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही कई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कल पूरा दिन देखते हैं, चलिए अब हम लोग इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंग्लिश कर ले, हाँ 119/60। अब इंग्लिश वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, मैथ्स और मैथ्स हो गए कंप्लीट, इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे ना हमको एकदम से मन गुस्सा के, आप लोगों के गुस्से से ना बड़ा डर लगता है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स हो गया कंप्लीट, यहाँ पे इंग्लिश के पोर्शन पे चलते हैं, इंग्लिश का पोर्शन 61।
रहने दें। चलिए कर लेते हैं, नहीं तो मैथ ये जल्दी से कवर कर लेंगे, डायरेक्टली आंसर बताते चलेंगे। तो 61 द फिल इन द ब्लैंक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या विकल्प यहाँ पे भरा जाएगा? टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज तो, 11 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी द कैटल। 61 कैटल, यहाँ पे देखिए कैटल्स नहीं भरा जाएगा। 61 का बी होगा कैटल। देखिए कैटल प्लूरल है, कैटल खुद प्लूरल है, ठीक है, कैटल खुद बहुवचन है। हाँ इसमें यस या यस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता है। रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? कैटल, पशु। ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, इट इज बिलीव दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। 62 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी काजेस, ठीक है। अच्छा ठीक है, फास्ट करा देते हैं। 62 काजेस। 63 आई डोंट नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक ऑफ दीज टू मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 63 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता सी इधर। 64 है, आई फिल इन द ब्लैंक राइट अ लेटर। 64 है, आई हैव टू राइट अ लेटर। 65 है, एनीबडी वुड बी हैप्पी टू गेट। 65 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी सम, एनीबडी वुड बी हैप्पी टू गेट सम मनी। क्वेश्चन नंबर 66 है, संजय इज रादर बेटर टुडे। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 है, ही प्रेफर्स स्विमिंग फिल इन द ब्लैंक एनी अदर स्पोर्ट्स। सी 2। 67 प्रेफर के साथ सदैव प्रीपोजिशन 2 का ही प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 पे है, पीपल नो दैट दैट गॉड इज अलमाइटी। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अ वाइज मैन पुट्स पास्ट रैंकर बिहाइंड एंड मूव अहेड, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। 69 रैंकर, इसका मतलब होता है विद्वेष, इसका समानार्थक क्या होगा? हैट्रेड। विकल्प भी सही हो जाएगा जिसका मतलब होता है नफरत। क्वेश्चन नंबर 70, मैनी पीपल सफर बिकॉज ऑफ प्राइड, चूज मोस्ट नियरली ऑपोजिट वर्ड इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, प्राइड मतलब घमंड होता है, मद होता है, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? ह्यूमनिटी, विनम्रता। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन फ्रेज टू ब्रेक द राइस। टू ब्रेक द राइस, क्वेश्चन नंबर 71, टू ब्रेक द राइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू ब्रेक द राइस कह रहे हैं, टू ब्रेक द आइस इसका मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, ही कैन हेल्प यू चूज द अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग पैसिव वॉइस। 72 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। यू कैन बी हेल्प बाय हिम। 72 अगला क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ वाइफ इज, वाइफ का प्लूरल 73 वाइफ्स, ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, द मैनेजर इज स्टिल अ बैचलर, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बैचलर मतलब हो जाता है कुंवारा, अविवाहित, इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, इसका मतलब होता है कुंवारी।
चूज द अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग सफिक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. विडोअर 75, विडोअर में इसमें सफिक्स क्या होगा? ई आर विकल्प सही हो जाता है आपका. बी 75 का ऑप्शन सही हो जाता है बी. ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 76. यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प आपका यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा. ही अर्गड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर अब चलते 77 की तरफ. द फॉग मेड ड्राइविंग वेरी. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव. 77 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डिफिकल्ट. क्या भरेंगे? डिफिकल्ट. 78 द बॉय स्टोल द मनी. चूज द अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग इंट्रोगेटिव फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 78 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है इंट्रोगेटिव में बदलना है. डिड द बॉय स्टील द मनी. डिड द बॉय स्टील द मनी. क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए. 79 डॉग्स चेस कैट्स. चूज द अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग नेगेशन. नेगेशन बताना यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 79 है. ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे ए. क्वेश्चन नंबर 80 हिज फेस बिकेम फिल इन द ब्लैंक बिकॉज ऑफ फियर. चूज द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 80 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 80 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट है इसका मतलब होता पीला. चूज द अल्टरनेटिव इंडिकेटिंग साइलेंट लेटर इन द गिवन वर्ड. 81 यन इसमें साइलेंट है. स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 82 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा. 82 देखिए कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव है जिनके अंत में आर हो ना उनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है. दैन का नहीं होगा. ठीक है जैसे इन्फीरियर सुपीरियर सीनियर जूनियर ये सभी तो इसके साथ क्या होगा? टू का प्रयोग होगा. ये बात ही ये मिस्टेक है इसमें. वे स्कोर्ड एज मेनी गोल एज फिल इन द ब्लैंक फिल द करेक्ट अप करेक्ट फॉर अ प्रोनाउन. 83 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा ए दे. ठीक है अगला है सी डिड नॉट. क्वेश्चन नंबर 84 सी डिड नॉट वर्क हार्ड. 84 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी वर्क भरा जाएगा. 84 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट में डेट का प्रयोग करने पर मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता इसलिए रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे? वर्ब वर्क का प्रयोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 85 में फिल इन द ब्लैंक वर्क विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ. फिल इन द ब्लैंक वर्क विल बी हार्मफुल टू योर हेल्थ. क्वेश्चन नंबर 85 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी ऑन. एक मिनट टू मच एडवर्ब है जो किसके बारे में बता रहा है? वर्क के बारे में बता रहा है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट 86 है रिक्त स्थान पे भरना है आपको यहाँ पे द रूल इज एप्लीकेबल फिल इन द ब्लैंक एवरीवन. ये तो पिछले ऐसे मिस्टेक हो गया. क्वेश्चन नंबर 86 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा. द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. 87 है सी इज मोर इंटेलिजेंट. सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है
कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी चेंज द अंडरलाइन पार्ट विथ सुटेबल अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 88, ये जो पूरा वाक्य है, सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पर आधारित है। कैंट वी, विकल्प सही हो जाता है आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 89, नो सूनर डिड आई गेट इन टू द बस वेन इट स्टार्टेड मूविंग, चेंज द अंडरलाइन पार्ट विद सुटेबल अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 89 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सुटेबल अल्टरनेटिव बताना है। क्वेश्चन नंबर अंडरलाइन का, वेन की जगह पे अल्टरनेटिव इसका बताना है। 89 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, दैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी वॉज अ काइंड एक्ट, चेंज द अंडरलाइन पार्ट विद सुटेबल अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 90, काइंड सुटेबल अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 90 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या हो जाएगा, मानवीय या दयालु, जो काइंड एक्ट को कह सकते हैं प्रतिस्थापित कर रहा है, सुटेबल अल्टरनेटिव विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ह्यूमन। तो यहाँ पे आपके पूरे इंग्लिश के भी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। फाइनली हम लोग पूरे 6 सब्जेक्ट कर लिए कंप्लीट। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से, देखिए शुरू से CDP हो गया कंप्लीट, CDP आपका हो गया कंप्लीट, फिर उसके बाद से आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद से आपका क्या कंप्लीट हो गया, EVS हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, संस्कृत देखा, फिर उसके बाद से मैथ्स देखा, फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने इंग्लिश कवर किया। पूरे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए कवर अभी, तो कम से कम आपका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। इतना नोट करके जाइए कि आप पेपर में 100% परफॉर्म करेंगे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे, गारंटी इस बात की। आप लोग पास नहीं, पास मत सोचिए, 130 प्लस पा के आएंगे, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। और आपको मैथमेटिक्स जिसको नहीं आता वो छोड़ के नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ आपको सॉल्व कर ही देना है। क्लियर है, तो चलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, बस जल्दी जल्दी से ऑनेस्टी के साथ फटाफट से 100% पूरे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हैं फिर मॉर्निंग में मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अब बस रिवीजन कर डालिए और कुछ मत कीजिएगा, रिवीजन और रिवीजन और रिवीजन ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।